दाभी आईपीटीवी सच आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वर्ल्ड कप अब अपने आधे पड़ाव पर आ चुका है, लेकिन बारिश की वजह से चार साल में एक बार होने वाले वर्ल्ड कप का रोमांच पूरा खत्म हो गया है और कल भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला भी बारिश के भेंट चढ़ गया। इधर फैंस अपने टिकट को लेकर स्टेडियम में बैठे हुए बारिश रुकने का इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश ने जरा भी रहम नहीं दिखाई और अंततः मैच को रद्द करना पड़ा। इससे फैंस काफी मायूस थे, तो वहीं पूर्व दिग्गज भी आईसीसी पर अपनी भड़ास निकालते नजर आए। ट्रेंट ब्रिज में भारत और न्यूजीलैंड मुकाबला बारिश की वजह से रद्द कर देने के बाद दोनों टीमों को एक एक अंक बांट दिए गए, जिसके बाद भारत 5 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल पर तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम एक अंक हासिल करते हुए 7 पॉइंट की बदौलत पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर और मजबूती से कायम हो गई है। एक अंक हासिल करते ही भारत 5 पॉइंट के साथ तीसरे पायदान पर आ गया है। भारत के तीसरे पायदान पर आ जाने से मेजबान इंग्लैंड को एक स्थान का घाटा सहना पड़ा है, जिसके बाद इंग्लैंड की टीम तीसरे से चौथे पायदान पर फिसल गई है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला रद्द हुआ तो फैंस जैसे तैसे सह लिए, लेकिन अगर रविवार को होने वाले भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रद्द हो तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस को है। टीम इंडिया को पाकिस्तान की तुलना में काफी मजबूत टीम माना जा रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच जब मुकाबला होता है तो कुछ भी संभव है। और चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को हराया था, जिसके दम पर पाकिस्तान भी भारत को इस बार हराने का हुंकार भर रहा है। दोस्तों, अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में मौसम कैसा रहेगा, क्या बारिश होगी या नहीं, तो दोस्तों आपको बता दें, यह मैच रविवार को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाना है। मौसम की भविष्यवाणी में कहा गया है कि रविवार को हल्की बारिश के साथ ही कुछ तेज हवा भी चल सकती है। इसके अलावा बीच बीच में धूप भी निकलती रहेगी और सुबह हल्की बारिश होगी। यह दोपहर और इसके बाद रात तक की जारी रह सकती है। कुल मिलाकर रविवार को रुक रुक कर बारिश होगी। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान का मैच पूरा 50 ओवर का तो नहीं होगा, हालांकि ओवर में कटौती किया जाएगा और कम ओवर का मैच हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसमें खुशी बस इतनी है कि जैसे न्यूजीलैंड के साथ मैच पूरा रद्द कर दिया गया था, तो वैसा हम पाकिस्तान के साथ मुकाबले में नहीं होगा, कुछ ओवर का मैच तो जरूर होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत इस बार भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।